खबर सिरोंज से। मानव अधिकार संरक्षण परिषद के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री के आदेश अनुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, पत्रकारों, सफाई कर्मचारियों और समाज सेवकों को सम्मानित करने का निर्देश दिया है। कई साथी एवं उनके परिवार के सदस्यों ने सेवा काल में स्वयं कोरोना की चपेट में आने के कारण जान तक गंवानी पड़ी। उन सभी को सम्मानित करके उनका हौसला अफजाई करने का आदेश पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा द्वारा दिया गया है। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं देने वाले सिरोंज के सभी पुलिस कर्मियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर SDOP रोहित लखारे, थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दांगी ने संबोधित किया एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों का सम्मान करने पर परिषद के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल सिलाकारी, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष वैभव भारद्वाज ने भी समारोह को संबोधित किया एवं कहा कि ऐसे जावाज योद्धाओं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना काल में जनता की सेवा की है, उनका सम्मान मानव अधिकार संरक्षण परिषद द्वारा किया जाना एक सराहनीय कदम है। ऐसे कार्यक्रमों से पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मानव अधिकार संरक्षण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बोहत, प्रदेश महामंत्री राजीव जैन, हाजी नदीम जावेद खां, भरतदीप मेहता, अतीत मंसूरी समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुलिस कर्मियों ने अपनी जानें गंवाई हैं और लेकिन अपनी ड्यूटी पर ना चाह के भी आते रहे। कांस्टेबल साहब, हेड कांस्टेबल साहब की इच्छा है कि आज हमें नहीं जाना, परिवार कह रहा है, पत्नी बच्चे कह रहे हैं, लेकिन चूंकि ऊपर का आदेश है, वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश है, तो अपनी ड्यूटी पर खड़े रहे। मैं दिल से धन्यवाद TI साहब, रात दिन लगे रहे आप स्टाफ के साथ। TI साहब की मैसेज, मतलब मेरी भाभी जी और एक नन्ही सी बेटी पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन आश्चर्य ये बात है, TI साहब ने मन नहीं खोया, दृढ़ निश्चित रहे और बराबर फॉलो करते रहे थाने में क्या हो रहा है। लोगों का ऐसा भी नहीं है, परिवार परेशान है और इतनी छोटी नन्ही बच्ची। तो गुजरे वक्त में कुछ आंसू आंखों में आते हैं, कुछ मन में साहस का भाव आता है कि हमने जो किया। आंसू इसलिए याद आते हैं कि जो हमारे साथ ही सेवा करते करते हमसे अलविदा कह गए और शहीद हो गए इस कोरोना काल में, उनके लिए आंसू भी आते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको वो स्वर्ग में स्थान दे और ऐसा कोई जीवन पुनः दे कि वो पुनः आकर कोई बड़े विभूति के रूप में, बड़े संत के रूप में समाज की सेवा कर सकें, उनको मानव जीवन पुनः प्राप्त हो। और वो वाकई में कोई बड़ी दिवंगत आत्माएं रहे होंगे जिन्होंने अपना जीवन पुलिस अधिकारी बतौर रहते हुए, करीब ऐसे 7-8 साथी हमारे हैं, हमसे कुछ सीनियर हैं, कुछ हमारे साथी हैं, कुछ हमसे जूनियर हैं, उनने इस युद्ध में अपने प्राण आहुति पर चढ़ा दिए। चंद लोगों के नाम मैं आप लोगों के सामने लेना चाहता हूँ, लिस्ट लंबी है, तो उसमें हमारे ही बैच के हो, मेरे प्रिय भाई देवेन चंद्रवंशी साहब, वो इंदौर में सबसे पहले, मध्य प्रदेश के सबसे पहले पीड़ित हुए थे कोरोना से और उन्होंने ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव होते हुए। और जो कांस्टेबल बेटियां हैं, भाई हैं, SI हैं, SI साहब हैं और TI साहब स्वयं और SDOP साहब का भी हमने सम्मान किया है। मानव अधिकार संरक्षण परिषद सामाजिक संस्था है, इसके माध्यम से हम पूरे मध्य प्रदेश में सारे पुलिस थानों में जा रहे हैं, हर पुलिस थाने में जाके सम्मान करेंगे। इसके बाद जो डॉक्टर्स हैं और नर्सेज स्टाफ है और सफाई कर्मचारी हैं और पत्रकार बंधु हैं, जो पत्रकार साथी हैं, उन्होंने भी कम योगदान नहीं दिया। हम अलग से एक कार्यक्रम बड़े स्तर पर रखेंगे और सिरोंज के पत्रकारों का पृथक से सम्मान करेंगे, हॉस्पिटल के कर्मचारियों का करेंगे, डॉक्टर्स का करेंगे, सफाई कर्मचारियों का करेंगे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएँ दी हैं। और मैं हृदय से सभी देशवासियों का आभारी हूँ, पुलिस कर्मियों का आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, कईयों की तो जानें चली गईं, कई TI, कई वरिष्ठ अधिकारी, SDOP, हम अखबारों में पढ़ते थे, सुनते थे, तकलीफ होती थी लेकिन मन महसूस कर रह जाते थे कि अरे हमारा एक गौतम साहब मेरे बहुत प्रिय थे जो SDOP भोपाल में थे और वो कोरोना के कारण चले गए। सम्मानी सुभाष भगत जी के नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश में पुलिस कर्मियों, पुलिस अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मी, नगर पालिका कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं, कोरोना काल के योद्धाओं का। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सारी चीज़ें बताई, लेकिन हमारे शहर के लिए बहुत
एक काले दिन थे जो निकल गए, और एक बहुत बड़ी विडंबना ये थी कि टीआई साहब रात दिन घूम रहे थे अपनी टीम के साथ। वो उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका बेटा छोटा सा नन्ना, वो पॉजिटिव होने के बाद भी उन्होंने शहर पे नज़र रखी, बराबर लोगों की मदद की और लोगों को हिम्मत देते रहे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं परिवार में मेरे संकट है, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। ये सम्मान वास्तव में सम्मान के लायक नहीं है, ना हम सम्मान कर सकते, ये तो भावनात्मक सम्मान है। जीवन रक्षक के रूप में ये उतर के आए, इन्होंने ड्राई राशन, आज सम्मान भले ही ये कर रहे हैं, ये भी एक इनका बहाना है, बाकी सम्मान तो इनका भी होना चाहिए ऐसी संस्थाओं ने। और जाहिर सी बात है सभी संस्थाओं ने ड्राई राशन और लोगों के पास पहुँच पहुँच कर अपनी परवाह किए बिना अपने। खबर भारतवर्ष के लिए सिरोंज विदिशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।